गर्दिशे दौरा किसी ने से सियाह बादल उठे और तारीकी में डूबी वादिये जन्नत निशान। ऐसे काले बादलों में प्यार की शम्मा लिए फिर रहा है कोई इंसान की जियारत के लिए, की जियारत के लिए, की जियारत के लिए। मरियम, ये रहा आपका घर। बिल्कुल वैसा जैसा मैंने तसव्वुर किया था। चलें अंदर। जी नहीं, पहले हमें उनके घर जाना है जहाँ बड़ी शिद्दत से हमारा इंतजार हो रहा है। आओ चलें। गिरजा बहन, क्या हम अंदर आने की गुस्ताखी कर सकते हैं? गुस्ताखी तो आपने कर ही ली है, अपना निकाह चोरी चोरी करके। खैर, वक्त आने पर इसकी सजा के लिए तैयार रहेगा। चले। एक पल रुकिए, हमारे यहाँ नई दुल्हन को ऐसे ही अंदर आने की इजाजत नहीं है। हम आ रहे हैं गिरजा। नमस्कार बेटा। नमस्कार। यही मेरा परिवार है मरियम। बहुत छोटा था मैं जब वक्त की गर्दिश ने मुझे जिंदगी में तन्हा कर दिया था। अगर इन फरिश्तों ने मुझे पनाह नहीं दी होती तो आज मैं यहाँ तुम्हारे साथ नहीं होता। उस गर्दिश की आंधी में गुमनाम सा कहीं खो गया होता। जीते रहो बेटा, जीते रहो। बेटा, ये खानदानी कंगन मेरी सास ने मुझे दिए थे, जिसमें से कुछ मैंने दीनानाथ की बहू को दिए और बाकी सब तुम्हारे लिए रखे हैं। पंडित जी, ये मरियम है जिसने मुझे अपनी जिंदगी का हम सफर कबूल करने की मेहरबानी की है।
अब जब मेरा हमसफर मेरे साथ है तो एक अरसे से इंतज़ार करती अपनी उस ख्वाहिश को पूरा करने का वक्त आ गया है। अगर खुदा वंदे करीम को कबूल हो तो मेरे भाई अगले हफ्ते हम हज की ज्यारत के लिए निकल पड़ेंगे। हम जानते हैं कादिर भाई, अपनी ख्वाहिश पूरा करने का वक्त आ गया है। मरियम बहन, हमारा परिवार आपका स्वागत करता है। हम और मेरा ये सारा परिवार आपकी सलामती और खुशहाली के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। आप दोनों हज की यात्रा से अपनी जिंदगी की शुरुआत कर रहे हैं, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। कितनी खुशकिस्मत हूँ मैं, आप सबको देखकर मेरे अल्लाह ताला ने मुझे सारी कायनात दे दी। माँ आज इतनी खुश थी कि बरसों बाद कादिर भाई की मनपसंद बिरयानी बनाई है। ओ मेरी प्यारी अम्मी, जुग जुग जियो बेटा। मुझे पक्का यकीन था कि आज कुछ ऐसा ही होने वाला है। बहुत भूख लगी है, अब बिरयानी खिला दो। ठीक है बेटे, चल गिरजा खाना लगाए। अम्मी बिरयानी बहुत अच्छी बनाती है। मरियम बहन, आपको हैरानी हो रही होगी, बचपन में मुझे भी बहुत जलन होती थी जब माँ मेरे दोस्त को पहला निवाला खिलाती थी। अब हम सबको आदत सी हो गई है, अब तो मैंने दूसरे नंबर पर रहना सीख लिया है। बेटे, आज मैं इतना खुश हूं कि मेरे घर में एक नहीं दो दो लक्ष्मी आ चुकी है। मरियम बहन जी, हमारे परिवार ने इसे बहुत प्यार किया है, एक छोटे से बच्चे की तरह। भाईजान, मैं हर मुमकिन कोशिश करूंगी कि मैं इन्हें उतना ही प्यार दे सकूं जितना आप सबने दिया है। गिरजा बहन, खाना बहुत लजीज बना हुआ था। अच्छा भाईजान, अब रात काफी हो गई, हम चलते हैं। ठीक है भाईजान। ओके भाईजान, ओके भाईजान, बहुत बहुत मुबारक है आपको। अच्छा गिरजा बहन, विश यू हैप्पी मैरिड लाइफ। थैंक यू। अच्छा कहाँ जा रहे हो तुम लोग? हम लोग अभी आते हैं, आप लोग बैठिए। मरियम, तुम्हारे यहाँ आने से सब कितने खुश हैं, सब तुम्हें कितना चाहते हैं, कितना प्यार करते हैं। हाँ गिरजा, मुझे भी खुशी महसूस होती है। पोश कितनी आसानी से तुमसे घुल मिल गया है। हाँ, मेरा और पोश का एक खास रिश्ता बनता जा रहा है। खुशनसीब है पोश। खुशियों के गीत गाएं, खो जाएं वादियों में, हर गम को भूल जाएं। सपनों के मीत आजा, खुशियों के गीत गाएं, खो जाएं वादियों में, हर गम को भूल जाएं।
बादल अगर है तू तो बरखा बहार मैं हूँ, और तू अगर है दरिया पानी की धार मैं हूँ। बादल अगर है तू तो बरखा बहार मैं हूँ, और तू अगर है दरिया पानी की धार मैं हूँ। एक दूसरे में खोकर दुनिया से दूर जाएं, खो जाएं वादियों में, हर गम को भूल जाएं। सपनों के मीत आजा, खुशियों के गीत गाएं, खो जाएं वादियों में, हर गम को भूल जाएं। वक्त हो गया, ये कादिर भी ना न जाने कहां रह गया। या अल्लाह, ये भी ना हमेशा घर का रास्ता भूल जाते हैं, कितनी देर लगाते। रात हो गई, ये कादिर भी ना जाने कहां रह गया। या मेरे खुदा, या अल्लाह, मैं कादिर हूं। मरियम, खुदा के लिए दरवाजा खोलो। कादिर, तुम कहां थे? मरियम, तुम ठीक हो ना? या खुदा, तेरा लाख लाख शुक्र है। या खुदा, मरियम को कुछ भी नहीं हुआ। मेरी मरियम, मेरी जिंदगी महफूज है। सब ठीक हो जाएगा मरियम, बाहर कोई भी नहीं है, सब चले गए। बहुत डर रहा था मैं, तुम्हारे पास आना चाहता था, लेकिन कादिर तुम कहां थे? मैं सारी रात तुम्हारा इंतजार करती रही। तुम्हें पता है मैं कितना डर गई थी। सारी रात गोलियां चलती रही, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे जैसे हर गोली मुझे छू के निकल रही हो। मैं बहुत डर गई थी कादिर, ऐसा लग रहा था मानो मानो सारा कहर मुझ पे टूट पड़ेगा, और मैं सिर्फ तुम्हें ढूंढ रही थी। तुम कहां थे कादिर? घर भी नहीं आए। जब मैं घर की तरफ आ रहा था तो मैंने कई परछाइयां देखी, वो बहुत सारे थे, लेकिन हमारे घर की तरफ कोई भी निशाना नहीं लगा रहा था। मैं दूर खड़ा सब कुछ देख रहा था। क्यों,
जिस लाचार बुढ़िए ने मर गया मुगाड़ा बुड्ढे अरे इसने क्या मुगाड़ा तुम्हारा बेचारी लाचार बुढ़ी ने इसको भगवान के लिए जोड़ दो भगवान माफ करना खुदा के लिए इसको जोड़ दो इसके बदले मैं मरने के लिए तैयार हूँ मुझे इसको छोड़ दो साले क्या सोच रहा है अब तुझे छोड़ देंगे इसको बच्चा बुढ़ा सो गया साले मैं फिर झाड़ियों में छुप गया मैंने पोष की आवाज सुनी थी वो रो रहा था लेकिन गोलियों की आवाज से पहले ही वो खामोश हो गया लगता है होश उड़ गए चलो जल्दी करो तकदीर हराम पंडित जी या खुदा ये क्या हो गया अम्मी चलो जल्दी करो अम्मी पंडित जी ये क्या हो गया या खुदा अब क्या होगा या खुदा अब मेरा क्या होगा या खुदा मरियम मैं आ रहा हूं मरियम मैं वहां लाचार होकर तमाशा देख रहा था वो जालिम उन बूढ़े लोगों को घसीट कर बाहर ले आए और गोलियों से भून डाला तुम्हें पता है कादिर मुजाहिदीन सबसे पहले हमारे गांव शुभियन में नजर आए थे बंदूकों और गोलियों से लैस उनके पास बड़ी अजीब सी बंदूकें थी उस वक्त मैंने कई नजारे देखे मैंने गोलियां चलती देखी मैंने खून बहता हुआ देखा पर उस वक्त मैं महफूज थी इसलिए इतनी तकलीफ महसूस नहीं हुई पर कल रात मैं बहुत डर गई थी कादिर और दूसरी तरफ निहत्ते लाचार लोग आग से बरसती हुई गोलियों के बीच घिरे हुए थे लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकी मेरे कदम लड़खड़ा गए थे कादिर उसके बाद मेरी नजर पंडित जी पे गई वो गिरजा बहन को लेकर घर के पीछे से भाग रहे थे बच गए इनके कहर से कादिर तुमने कुछ सुना कादिर ये तो बच्चे की रोने की आवाज है कहीं पोष पोष
किसका है, किसका है? मरियम, मरियम पोल जिंदा है, लेकिन पंडित जी का कोई अता पता नहीं है। अब हम पोष का करेंगे क्या? तुम चुप रहो, किसी को इस बारे में कुछ मत बताना। अगर इन शैतानों को पता चल गया तो वो फिर से आ जाएंगे। किसी से इस बारे में तुम कुछ बात नहीं करोगे। और फिर कादिर मैं जिंदा हूँ, मैं इसे पालूंगी, मैं भी तो इसकी माँ हूँ ना। आज से ये मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा है आज से ये कादिर। अल्हम्दुलिल्लाह। चुप हो जा मेरे बच्चे, चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा। तब तक तुम मेरे ही शहजादे हो, जब तक तुम्हारी अम्मी और वालिद का पता नहीं चल जाता। चलो थोड़ा सा दूध पी लो। आज से ये मेरा शहजादा है। तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ मरियम। कितनी आसानी से तुमने पोष को गले लगाकर उसे अपनी पनाह में ले लिया। मेरे खुदा ने मुझे तुम्हारे वजूद में सारी कायनात दे दी। अच्छा वो सब ठीक है, मगर आपको भी बाजार जाना होगा, पोष के लिए कुछ नए कपड़े और खिलौने लाने होंगे। ठीक है, मैं आज ही उसके लिए नए खिलौने और नए कपड़े लेके आऊँगा। और फिर मुझे जावेद के दफ्तर जाकर जावेद से भी बात करनी है। मुझे मेरा जिहाद अमल में लाने की हिम्मत दे मेरे खुदा। मुझे और मरियम को इतनी ताकत दे कि हम उन्हें ढूंढ सके और उनका बच्चा सही सलामत उन्हें लौटा सके। या मेरे खुदा। कादिर उठो भाई, होश में आओ। साले होते हैं वो, ना हिंदू होते हैं ना मुसलमान, सब के सब की औलाद, बुजदिल और कमीने, जिनका कोई मजहब नहीं होता, लेकिन मजहब के नाम पे बारूद से खून की होली खेलने वाले ये लोग सारी खुदाई के दुश्मन हैं। या खुदा, ऐसे जैसे लोगों को यहां से बाहर निकाल दे, ये जन्नत हमारी है, लेकिन इस जन्नत की मिट्टी में इतना खून बह चुका है कि अब इस जन्नत की मिट्टी से खुशबू के बजाय बारूद की बदबू आ रही है। ये तुम क्या कह रहे हो कादिर? कौन? तुम किस जन्नत की बात कर रहे हो? तुम्हें याद है ना, हम हज पे निकलने वाले हैं, सभी तैयारियां हो चुकी हैं और टिकट भी आ चुकी है। जमीला बड़ी बेचैनी से इस मौके का इंतजार कर रही है। अभी तो खैर वो आपकी बेगम से मिली भी नहीं। जावेद भाई, कल रात हमारे यहां कुछ मुजाहिदीन आए थे, उनकी बरसती हुई गोलियों ने हमारी और हमारे आसपास की जिंदगी को झुलस के रख दिया। इतना कुछ बदल चुका है कि अब दिमागी तौर पर हज का सफर चाहते हुए भी नहीं कर सकते। मुझे सख्त अफसोस है जावेद भाई कि यह सफर आपको और शामिना भाभी को अकेले ही तय करना होगा। कादिर सुनो तो। कादिर, ऐसा भी क्या? आज बहुत काम था ना, तुम्हें जावेद के दफ्तर भी तो जाना था। खैर
अंदर चल के बात करते हैं। ठीक कह रही हो मरियम। मरियम पोश सो गया क्या? हाँ, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। समझ में नहीं आ रहा मरियम कि हम अब क्या करें। तुम परेशान क्यों हो रहे हो? सब ठीक हो जाएगा, फिक्र मत करो। खुदा करे कि ऐसा ही हो। आमीन। तुम हाथ मुंह धो लो, तब तक मैं खाना लगा देती हूँ। देखो तो हमारा शहजादा इन नए कपड़ों में कितना खूबसूरत लग रहा है। वैसे तुम्हारी पसंद भी खूब है कादिर। बिल्कुल ठीक कह रही हो मरियम, तुम्हें भी तो हम ही ने पसंद किया था। अच्छा, तुम जावेद के दफ्तर गए थे ना? हाँ, अभी मैंने उसे मना कर दिया कि हम लोग अभी हज पे नहीं जा सकते। हम पोस्ट को कहाँ रखेंगे? इसके अलावा मेरी जिंदगी का बस एक ही मकसद है, इस मासूम के वालिदैन और मेरे प्यारे दोस्त वक्त की गहमा गहमी में कहीं खो गए हैं। मुझे उन्हें तलाश करना है मरियम। मेरी जिंदगी का बस यही एक वाहिद मकसद है। कादिर, तुम बेफिक्र रहो और अपने मकसद में कामयाबी हासिल करो। तुम मेरी और मेरे शहजादे की फिक्र बिल्कुल मत करना। मैं भी उसकी माँ हूँ। किरचा बहन की अमानत मेरे पास हमेशा महफूज रहेगी कादिर। अरे रे 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 मेरा बच्चा, ये लो ये लो ये लो ये लो, ये लो। इससे खेलो, ये चाहिए। देखो ना कितना प्यारा लग रहा है मेरा बच्चा। आखिर शहजादा किसका है? अपनी ये तकलीफें, अपने ये आंसू सब मेरी झोली में डाल दो कादिर। मेरे लिए ये आंसू बहुत कीमती हैं, और उससे भी कीमती है तुम्हारा मकसद, तुम्हारा जाती जिहाद। उठो कादिर, मेरा खुदा और मेरी रूह दोनों इस मकसद में तुम्हारे साथ हैं। मैंने सिकंदर से कह दिया है, वो रोज शाम को तुम्हें दुकान का हिसाब देने के लिए यहाँ आया करेगा। फिर भी किसी चीज की जरूरत हो तो उसे बुला लेना। हिम्मत से काम लो कादिर। मैं चलता हूँ, अपना ध्यान रखना और अपने शहजादे का भी। तुम मेरी और मेरे शहजादे की फिक्र बिल्कुल मत करना और अपना ध्यान रखना। कर
भाई साहब जी कहिए, आपने इन्हें यहाँ कहीं देखा है? नहीं भाई साहब, देखा तो नहीं है। ध्यान से देखिए, कहीं आपने आते जाते देखा हो? नहीं, लगता नहीं है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। जी आदाब। बैठिए। जी शुक्रिया। जी मेरा नाम कादिर है, मैं पंडित दीनानाथ जी का दोस्त हूँ। कई दिनों से वो दिखाई नहीं दिए, उनके बारे में कुछ मालूमात लेने आया था। बहुत दिनों से पंडित जी ऑफिस नहीं आ रहे हैं और ना ही उनकी कोई खबर है। हमारे आदमी उनके घर भी गए थे, उनका घर बंद था, पता चला कि उनके घर में कोई वारदात हुई है। जी अगर आपको उनके बारे में कोई भी मालूमात हो तो मुझे बता दीजिएगा। मुझे बेहद अफसोस है, मैं उनके बारे में कोई जानकारी आपको नहीं दे सकता। मंजिल मंजिल भटक रहा हूँ तेरे नाम, मंजिल मंजिल भटक रहा हूँ तेरे नाम, ऐ मेरे बिछड़े मौसम मेरे आराम, मंजिल मंजिल भटक रहा हूँ तेरे नाम, मंजिल मंजिल भटक रहा हूँ तेरे नाम, ऐ मेरे बिछड़े मौसम मेरे आराम, मंजिल मंजिल भटक रहा हूँ तेरे नाम। करपंगेज तन्हाई वो एक तूफान यादों का, बरसती दिल पे एक बिजली, तरसती रूह जियारत को। करवा दे मौला, रहम करम की बारिश करवा दे मौला, बिछड़ों से अब मुझको मिलवा दे मौला, बिछड़ों से अब मुझको मिलवा दे मौला, नैया पार लगा अपने महबूब के नाम, मंजिल मंजिल भटक रहा हूँ तेरे नाम, मंजिल मंजिल भटक रहा हूँ तेरे नाम, ऐ मेरे बिछड़े मौसम मेरे आराम, मंजिल मंजिल भटक रहा हूँ तेरे की आस लिए तेरे द्वार खड़ा, मधुर मिलन की आस लिए तेरे द्वार खड़ा, दया करो अब दया शरण में आन पड़ा, दया करो अब दया शरण में आन पड़ा, हे गिरधर मीरा के हे राधा के शाम, मंजिल मंजिल भटक रहा हूँ तेरे नाम, मंजिल मंजिल भटक रहा हूँ तेरे नाम, ऐ मेरे
पिछड़े मौसम मेरे आराम, मंजिल मंजिल भटक रहा हूँ तेरे नाम। बना दो कर दो काम गुरु, दे दो मेरी मंजिल का मुझको पैगाम, मंजिल मंजिल भटक रहा हूँ तेरे नाम, मंजिल मंजिल भटक रहा हूँ तेरे नाम। ऐ मेरे बिछड़े मौसम मेरे आरा, भाई एक मिनट बात सुनना। जी बोलिए। एक कप गरम चाय और कुछ खाने को ले आना, थोड़ा जल्दी कर लेना। ठीक है, चल यार बैठते हैं चाय पीते हैं। अच्छा चलो पीते हैं। अरे चाय वाले दो कप चाय भेज दे। ओ यार तुम जानते हो जो पंडित कश्मीर छोड़ के चले गए हैं ना, वो किसी रिफ्यूजी कैंपों में रह रहे हैं जानवरों की तरह। हाँ भाई सुना तो है, सरकार ने जगह जगह उन लोगों के लिए जम्मू नगरोटा यहाँ तक कि दिल्ली में भी उनके लिए जगह जगह झुग्गी झोंपड़ियों का इंतजाम किया है। सुनने में आया है कि ये लोग जानवरों से भी बदतर जिंदगी बसर कर रहे हैं। शुक्रिया। वो जितने भी थे ना हमारे दोस्त, वो जो आजकल नजर नहीं आते, वो सब सड़ रहे होंगे उस दोजख में। और उनकी इस हालत के जिम्मेदार हमारे मुल्क के सियासतदान हैं, जिन्होंने अपने ही मुल्क के लोगों को बदनसीब रिफ्यूजी बनने पे मजबूर कर दिया। मगर इस चक्कर में नुकसान तो हमारा हुआ ना। वो कैसे? सारी जन्नत की हुरें तो हमें छोड़कर वहां चली गई। अब यहाँ पर क्या रुकना, चल यार हम भी चलते हैं वहां ऐश करने। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे बात करने की? कमीने, मैं तेरी जान ले लूंगा। क्या बकवास कर रहे थे तुम? हाँ? क्या बकवास कर रहे थे तुम? जानते भी हो वो सब हमारे भाई हैं। कमीने, मैं तेरी जान ले लूंगा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। छोड़ो भाई छोड़ो छोड़ो। हाँ, आइंदा से बकवास किया ना। मेरी बात सुनो भाई। समझा देना उसे, दोबारा बकवास करेगा तो चीर के रख दूंगा। हमें भी बुरा लगता है भाई, मेरा दोस्त तो सिर्फ उनकी कहानियां सुना रहा था। जो कभी हमारे करीबी दोस्त थे वो कहीं खो गए। हम सब उन्हें बहुत याद करते हैं, वो सब तो वापस नहीं आए, लेकिन उनकी कहानियां हम तक जरूर पहुंच जाती हैं। हमें भी सख्त अफसोस है मेरे भाई, लेकिन क्या करें मेरे भाई, अगर हमसे कोई गलती हो गई हो तो हमें माफ कर दो। अच्छा भाई अच्छा भाई अच्छा भाई, मुझे माफ कर देना मेरे दोस्त, शायद मैं तुम्हारी बातों को गलत अंदाज में ले गया, माफ कर दो मुझे। नहीं नहीं भाई, मैं खुद ले लूंगा। पूरे 2 साल हो गए हैं मरियम, लेकिन पंडित जी का कुछ भी पता नहीं चल पाया।
लेकिन मैंने अभी तक हार नहीं मानी है। मुझे यकीन है यहीं किसी कैंप में वो मुझे जरूर मिलेंगे। तुम बस अपना और पोष का ख्याल रखना। मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज। अल्लाह तुम्हारा निगेबान रहेगा। सी अमानिल्ला। आमीन। अच्छा, खुदा हाफिज। ज़ियारत वो कि जो तस्वीर दिल के आईने में आंख खुलते ही उतर आई, और उसके बाद एक तूफान आया, बिजलियां चमकी, अंधेरों में सिमट कर रह गई खुशियों की पुरवाई, अंधेरों में सिमट कर रह गई खुशियों की पुरवाई, अचानक बाद सरसर ने उखेड़े प्यार के खैमे, उजड़ कर रह गया गुलशन, चमन से उड़ गए पंछी, उजड़ कर रह गया गुलशन, चमन से उड़ गए पंछी, गुलो बुलबुल के नगमे यूं फजा में खो गए जैसे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जी क्या आप मुझे थोड़ी दूर तक लिफ्ट दे सकते हैं? या व्हाई नॉट, श्योर, कम इन। Thanks a lot. Welcome. जी आपने मुझे लिफ्ट दी, इसके लिए शुक्रिया। भाई कहाँ जा रहे हो? जी किसी की तलाश में। कहाँ से आए हो? कश्मीर से। आगे कहां तक जाना है? जी उधमपुर तक जाना है। आप कहां तक जा रहे हैं? मैं जम्मू तक। जी मैं यहीं पे उतरूंगा। अल्लाह का शुक्र है कि हम दोनों बच गए। आपकी गाड़ी का भी नुकसान हो गया। खैर आगे ध्यान से गाड़ी चलाइए। खुदा हाफिज।
कर गए बर्बाद दुनिया, हर खुशी को ले गए दर्द जितने थे जहां में झोले भी मेरे दे गए। ले 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 ले। मिल गया मुझे मेरा कश्मीर मिल गया, मुझे मेरा गुलो बुलबुल के नगमे यूं फजा में खो गए जैसे सिसकते साज लावारिस, सिसकते साज लावारिस भटकते प्यार के नगमे, सियाह शब की हसी नागिन, सियाह शब की हसी नागिन, बुझी खुशियां दसे बुझी खुशियां दसे अरमा, और इसमें कोई गुल, और इसमें कोई गुल बीते दिनों की आरजू लेकर, और इसमें कोई गुल बीते दिनों की आरजू लेकर, जियारत की तड़प दिल में लिए आवारा बादल सा। जी मैं अपने भाई पंडित दीनानाथ और उनकी बीवी गिरजा को ढूंढ रहा हूँ, क्या आपने उनको यहाँ कहीं देखा है? लेकिन आप लोग कैसे रह रहे हैं इस गंदगी में? तो ये कितने रोजन गंदगी मज پتمہ بوموار دتو برجنا خلدتو بیت تمچو کوار ٹاپ سرپن چھر چھر کرن مو تم دان وای تو اس 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 نو وچمی تیم سرپ اس نو اس کے جان کشیر کشیر اسی نی اس تو وار کے برداشت ہرس برداشت ونی سامس کرم برداشت کیا ہونا ہے سے تیو اس پتمہ بدوای دو دیو سے 37 کا واٹرس مز اس جس میں تم است بیچار اسٹو افسوس رات شنگ دت سرپن ٹاپ نیو یپر ہسپتال کے پے تاما ہیروئن نا گئی سوری تبھی مان ثی تبھی گئی کیا یہ گرم سی طوفان گانا یہ گرم بلا قسمت کیا ہو نہ تمن تقسی نہ چھ پتہ کیا دل لگ مگر کس مصیبت پیو یہ تل ہند مندس پہ قسمت خراب یا خدا یہ کیسی زندگی ہے یہ تو جہنم سے بھی بدتر ہے بھٹکتا پھر رہا ہے مدتوں سے भटकता फिर रहा है मुद्दतों से इसलिए क्योंकि भटकता फिर रहा है मुद्दतों से इसलिए क्योंकि यही सब कुछ है अब उसके दिले वीरां की आराइश का सामा, दिले वीरां की आराइश का सामा, गर्व अंकेश तनहाई, गर्व अंकेश तनहाई। 10 किलो चावल देते हैं यहाँ, 10-10 किलो देते वहाँ, 50 फिर राशन ये नाम दस मुझ नाम दस क्या कुन्नाम तो पहले मार कुन्नाम दस मुझे गो दस स्टार कुन्नाम दस मुझे गो स्टार स्टार वरने थी के वहाँ सीधी नहीं शुरू बात गई है तो इतने किडनैपिंग किडनैपिंग थी गई दस मुझे गो हड़ताल गो बांध सोरी की हीन बनिया और मूवमेंट गई सोरी बांध। हमें तो पता नहीं है कश्मीर के बारे में, हम कभी हम तो यहीं पर पैदा हुए हैं, लेकिन जैसा कि हमें हमारे मम्मी पापा ने सुनाया है कि यहाँ वहाँ पे स्वर्ग था, उनका बहुत बड़ा मकान था, हमारे पास बाग थे वगैरह वगैरह। बट कोम छ सुकोम यम छ हमेशा कलम चलो हमेशा नहीं को हलड़ बजे तक है के इम खोज त आय सोस गवर्नमेंट का प्लान है तम साथ तम की ओर वो वही गए उस तो कत हालात उस में छ इस छ कशिर इस कशिर में रोजन इस करतमो
تم ایکسٹرنل فورسز دمو تک کڑھ پان روزان تم سی ٹھیک پاٹھی تم ایسے کران کہین وہ گو کی ایکسٹرنل فورسز آئے تمو تک مجبور کر نیرنس پہ تھی درائے تک کنو شیت نمتس من یہ پتہ کت کن آئی یور کپ گو ارینجمنٹ کت کن آئی جم اس کم پرابلمز کر فیس وت تو ات متعلق سری انجان کت گھن کیا کرن اس کتھ گھو بہرحال درائے تت پہ تو پہ وت جم یور جم بیٹھ کینچن دہن پہ مندرس من بیٹھ اور یور پیش نا نش بیٹھ باقی زن تت ہمسائے تم ست روزان تم نش بیٹھ ارینجمنٹ کور کمرن ہند پہ یہ تیت حساب کہ کیا ہکو یہ کن جائے بہت ٹینٹن من گئے لوگ آشرمن من بیٹھ گورمنٹ بلڈنگن من بیٹھ ٹرانسپورٹ یارڈن من بیٹھ تو ات کن کور سارے پن یہ روزن انتظام اس تی اور بیٹھ کن کمرس من دہ وہ وری گئے اس من وہ پنچہ وری گئے اس من ات کن بہت ویلیشن ساروی زیادہ ہیومن ویلیشن ماج تین کور تھی زنان تھی اس گامس مت روزان روزان تری بٹ روزان اک بٹ گھر تم دب تر جم کی بل بیٹھ تی تم کر کام تم دب دون بہ بناو یتی زمین تو باقی چل ساری تتس نا سہ کنی زن پتہ آئی تمس اکہ دہ کم تامت تم آسان گامکی تم آئی تمس نیک شام آئس انہ گٹ بگ آلو کورہس نبر کن کس تام بلاون تت گنڈس اچھن پٹ تو نیک یل نیک صبح چھ پائی لگان راتس لج نا پائی کنس یہ کت گئی صبح چھ پائی لگان شانتی کت گئی تمس اس ناو شانتی پتہ تم کور تم زار پار کھرن کرنا تھپ کیا تھامت کورن تم شری پانس کنی زن تی تمس تمو سگریٹ ات کن نا سگریٹ چون ایسے سگریٹ پیتے تھے نا وہ اس کو لگاتے تھے یہاں پر سگریٹ بٹ تمس لگا جلایا تھا اس کو یہاں پر اور پھر بولا تھا کہ اگر ہم نے کل آپ کو دیکھا یہاں پر ہم آپ کو زندہ نہیں چھوڑیں گے پتہ اس بھوشن لالا بچور سہ بروٹے پہمت درامت تیت پتہ آو سہ یہ سارے جمہ پھیرت گھر پتہ گھر دون بتر کشیر یہ چھم واپس ترن اسس گھن سج نش تنخواہ اننی اسس گھن بچر پتہ یل ون تور ووت تت اس گمت سج نش ہور کیا تر ون اول کن اول اول سائڈ اس گمت ہانز پور تیس نا پی پہ رات کہ سہ صبح بچور ووت اسس تنخواہ رٹن گیا دفتر وتی ٹھن خبر کت بچور مرت تمس اسک تھوم اچھ تڑت کان تٹت بچرس اسس طوفان کورم اسک تھوم تی میز تل دبت تو پتہ لج یہ بچار یتھے بوز دپن بھوشن لال ات پہ مورمت بچار مور یمو پانا جانا پتہ ترس یور ہمسائے ومسائے پن بائے وائے اونس بچرس تک دہ سنس کر کرت اس لکٹ لکٹ بچہ بچرس قیامت گئیس تم شرین تمس زنان تہ بچار ون سہ سندارن تمس بچار کس مصیبت آو بن بچار قیامت ون یہ بچار کیمپس من بہت کران تمن شرین پہ تم شر کیا کرنس بچار مما میں کہاں تھی تب مجھے تو کچھ یاد نہیں ہے سوسک نہ تل زام سے تمیک سزا چھ بھگتان اس یتن ممکن اور ایج گئی کرونک پیشنٹ گئی استما کیا تھا ڈائبٹیز وچ تو بٹ کوئی تھا تو دیتو ہور کو نظر اس تو بٹ کوئی تھا اس اچھ کوئی بیج بٹن مس تھئی مت یتن افٹر 20 ایئرز بیٹ اس یتن یت اس نہ کین یت اس کیم نیر ایت کن وان چھ سارا سیما سیمٹ ویمٹ یو اس نہ یت کین بچ گئی بیمار قیامت گئی تور یت وہ کیا کرو یہ کر بھگوان سن تک کڑت نت زان کمرس من پہ گزار کر جائی بچہ پران کتت کھمو کتت چمو کتت پوس مشکلات گھن
وۄنۍ کیاہ کرو. اَسہِ ہے دیوان باغ بارہمولہ روزان لڑکس تمس میڈکل شاپ بارہمولہ ان کے وہاں سے جس حالات میں یہاں آئے ہیں وہ کہانی سن کے بھی ہمیں بڑا دکھ ہوتا ہے اور یہ کہانی سن کے ہم یہ مانتے ہیں کہ ہم کشمیر کبھی نہیں جائیں گے اور حالانکہ یہاں پہ ہم ایک ہی ٹینٹ میں رہتے ہیں پڑھنے کی جگہ نہیں ہے لیکن ہم پھر بھی پڑھیں گے ہم پڑھیں گے اور آگے بڑھیں گے. بس اب اور سننا میرے لیے بہت مشکل ہے. بیچارے پنڈت جی اور گرجا بہن یہیں کہیں اسی طرح سے سسکیاں لے کر جی رہے ہوں گے. اے میرے مالک، تیرا انصاف کچھ سمجھ میں نہیں آیا. آخر کیا قصور تھا ان شریف لوگوں کا جس کی انہیں اتنی سخت سزا نصیب ہوئی؟ جی آپ ادھم پور میں رہتے ہیں؟ نہیں بیٹا، میں نگروٹا میں رہتا ہوں. ادھم پور کام سے آتا ہوں روزانہ. لیکن اس عمر میں؟ اس عمر میں تو آپ کو اپنے بچوں کے ساتھ اپنے گھر میں آرام کرنا چاہیے. بچے؟ انہوں نے بچوں کو رہنے ہی کہاں دیا، ایک ایک کر کے سب کو گولیوں سے بھون دیا. صرف مجھے اور میری بیمار ہمشیرہ کو بخش دیا، وہ بھی شاید اس لیے کہ ہم اس قابل نہیں تھے کہ ہم پر اسلحہ ضائع کیا جاتا. یوں بھی تو ادھمروں کو کون مارتا ہے؟ اب زندگی جینے کے لیے کپڑا بھی چاہیے، دوائیاں بھی چاہیے اور دو وقت کی روٹی بھی. کون دے گا ہمیں یہاں یہ سب؟ یہاں پہ کون دے گا یہ سب؟ مجھے معاف کر دیجئے بزرگوار، میرا مقصد آپ کو تکلیف پہنچانا نہیں تھا. نہیں بیٹے، تم نے مجھے کوئی تکلیف نہیں دی ہے. اتنی دیر سے اس بس میں سفر کر رہا ہوں، آج تک کسی نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی. کس کے پاس وقت ہے؟ آج کی دنیا میں تم جیسے نوجوان کہاں ملتے ہیں جو ہم جیسے بوڑھوں کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھ سکیں، ہم سے بات بھی کر سکیں؟ لیکن بیٹے، تم نے اپنے بارے میں کچھ نہیں بتایا. جی، میرا بھائی پنڈت دیناناتھ اور ان کی بیوی گرجا زندگی کی اس کشمکش میں کہیں کھو گئے ہیں. انہیں کی تلاش میں ہوں. ادھم پور میں تو نہیں ملے، اب شاید نگروٹا کیمپ میں مل جائیں. میرے پاس ان کی تصویر بھی ہے. جہاں تک میری یادداشت کا تعلق ہے، میں نے یہ نام کبھی سنا نہیں ہے اور نہ میں ان سے کبھی ملا ہوں.
और ना ही नगरोटा कैंप में इनसे कभी मुलाकात हुई है। लेकिन हो सकता है तुम्हें इनकी तलाश करनी चाहिए। और इस सिलसिले में हुकूमत ने एक केयर टेकर सेंटर भी खोल रखा है, जिनके पास पूरे रेफ्यूजियों की एक तफसील हुआ करती है। ठीक है, मैं वहां जरूर जाऊंगा। वैसे भी अगर तुम्हें मेरी मदद की जरूरत पड़े तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। कल वैसे भी मेरे आधे दिन की छुट्टी है, तब तक तुम नगरोटा कैंप में देख लो, कल मिलेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपका एहसान मंद रहूंगा। लेकिन हम कल मिलेंगे कहाँ? कल वो जगह देख रहे हो ना, यहां से दिख रही है। जी कल वहीं पे आकर मिलना, मैं वहीं इंतजार करूंगा। ठीक है, ये लीजिए, नगरोटा भी आ गया। चलिए चलो। जी नमस्कार। नमस्कार, क्या बात है, देर क्यों कर दी? वो थोड़ा रास्ते में टाइम लग गया। मेरे ख्याल में अब हमें केयर टेकर सेंटर जाना चाहिए, बहुत देर हो गई है। वैसे भी वो दफ्तर जल्दी बंद कर देते हैं, सरकारी काम है ना। आप बहुत अच्छे हैं, आपने मेरे लिए जहमत की। आप काफी थके हुए भी लगते हैं, मेरा ख्याल है आपको आराम की जरूरत है। बेटे मेरी फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूं। ज्यादा दूर नहीं है दफ्तर, वो रहा। और हाँ, इसके अलावा मैंने तुम्हें अपनी हमशिरा के बारे में बताया था ना? जी। वो आज तुम्हारे लिए खास किस्म की बिरयानी बना रही है। बिरयानी? कहाँ खो गए बेटे? मैं समझ सकता हूं, तुम दरअसल इनकार करना चाहते हो। बेटे प्लीज आज। अरे आप कैसी बात कर रहे हैं, मैं जरूर आऊंगा, मेरे लिए तो ये खुशी की बात है। तो फिर मेरे ख्याल में हमें चलना चाहिए। जी चलिए। दोस्त कहाँ थे कल? हम कल घूमने गए थे। अकेले गए थे? हमें बोला था हम भी आते। नमस्कार। चलो अगली बार ले चलना। जी नमस्कार। भूलना मत, अगली बार जरूर बताना। हम आपसे बात कर रहे हैं, क्या आप हमें तवज्जो दे सकते हैं? आपको तवज्जो चाहिए? आप देख नहीं रहे हम कितने बिजी हैं। क्या मतलब है आपका? कहिए आपकी क्या परेशानी है? मैं अपने भाई पंडित दीनानाथ और उनकी पत्नी गिरजा की तलाश में हूँ, क्या आप उनके बारे में मुझे कुछ जानकारी दे सकते हैं? क्या वो उसी कैंप में रहते हैं? क्या उम्र है उनकी? जी 28 और 24 साल। 24? जरा 24 साल वाली के बारे में तफसील से बताइए। क्या मतलब है आपका? यार जब तक आप उनके बारे में तफसील से नहीं बताओगे, हम उनके बारे में क्या बताएंगे? पूछताछ तो जरूरी है, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? बेटे जिस कदर तफसील तुम इन्हें दे सकते हो दे दो, और याद रहे हम यहां पर खोए हुए की तलाश में आए हैं, इन सरकारी अफसरों से लड़ने के लिए नहीं। जी मेरे पास उनकी एक तस्वीर है। वाह क्या बात है यार,
पांडे जरा इसको देख, कितनी खूबसूरत है और ताज़ा भी है। इस कैंप में ऐसी हसीना की सख्त जरूरत है ना? कमीने, मैं तेरा खून पी जाऊंगा, समझे? मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तुमने एक सरकारी अफसर पर हाथ उठाने की जरूरत कैसे की मियां? साले हरामजादे, मैं तुम्हें देख लूंगा। इस बदसात को मैं छोड़ूंगा नहीं। बाल बाल बच गए बेटे, तुम इन लोगों को नहीं जानते। ये बहुत ही आसानी से तुम्हें पुलिस के हवाले कर लेते, और पुलिस वाले तुम्हें आतंकवादी साबित करके उम्र भर के लिए जेल भेजते, और जिंदगी भर किसी को पता भी नहीं चलता कि वो कहां गया। जैसे इन लोगों ने मेरे साथ किया, मेरे बच्चों के साथ किया, मेरे बच्चों को किसी आतंकवादी ने नहीं मारा, किसी पाकिस्तानी ने नहीं मारा, इन्हीं लोगों ने मारा, खत्म कर दिया मेरी आंखों के सामने, और मैं लाचार और बेबस, लाचारी की हालत में इनका कहर बर्दाश्त करता रहा। चलिए। हाँ बेटे चलो, ये लोग हमारे लिए नहीं है, ये जगह हमारे लिए नहीं है। हाँ भाजी। आओ भैया। ले आया ना मैं कल जिस बच्चे को मिला। क्या हाल है बेटा? बस ठीक। आओ बेटा बैठो बैठो, ये है मेरी बहन, अक्सर बीमार रहती है, इसी ने मजबूर किया था कि आपके लिए बिरयानी बनाए। जी शुक्रिया। बहुत खुशी हुई आपके यहाँ आने पर, क्योंकि कल से ये देख रही थी कि आपके लिए बिरयानी बनाऊं। जब से हम कश्मीर छोड़ आए हैं, यकीन जानो हम अकेले हो गए, बिल्कुल अकेले हो गए हैं। कोई हमारे करीब नहीं आता, कोई हमारी खबर लेने नहीं आता। यूं समझो कि अकेले रहना, अकेले खाना, अकेले ही जीना और अकेले ही रोना। हिम्मत से काम लीजिए। लेकिन आज मुझे लग रहा है कि आज हम फिर घर में पहुंच चुके हैं। बहना, बाजी, खाना परोसो, आज जी भर कर खाना खाएंगे, आज मेरा बच्चा आया है। बहुत खुशी हुई आपके यहाँ आने पर। मुझे अपना ही बेटा समझिए। बाजी, आज मेरे इस बच्चे को अपने हाथ से खाना खिलाओ, मुझे तसल्ली होगी, मेरी रूह को तस्कीन मिलेगी। लीजिए। ये लो। मुंह खोलो बेटे। आज आपको देखकर मुझे अपनी अम्मी की याद आई। वो भी इसी तरह मुझे अपने हाथों से बिरयानी खिलाती थी। कहाँ ढूंढूं उनको, इतना ढूंढा, अब तो लगता है कि वो मुझे मिलेंगे ही नहीं। मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। मुझे यकीन है कि
जम्मू के कैंप में वो मुझे जरूर मिलेंगे। हाँ, अगर ऐसा नहीं होता तो अभी तक वो मुझे मिल गए होते। हाँ, उनसे मेरी मुलाकात जम्मू में ही होगी, तभी तो वो मुझे यहाँ नहीं मिले। मुझे उन्हें जम्मू में तलाश करना होगा, वो मुझे वहां जरूर मिलेंगे। हाँ चल मेरे भाई, हमारी मंजिल वही है। लगता है आप यहाँ नए हैं और किसी के तलाश में हैं। क्या हम आपकी कोई मदद कर सकते हैं? जी, मेरा नाम जोया है और ये मेरा साथी माइकल। हम यहाँ एक एनजीओ के लिए काम करते हैं। यहाँ इस वक्त हम रेफ्यूजीज की जिंदगी बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। We try to make a little difference to their life। मैंने सोचा भी नहीं था कि इस जगह पे फरिश्ते भी रहते हैं। अच्छी ये तस्वीर देख लीजिए, ये मेरे भाई पंडित दीनानाथ है और ये इनकी पत्नी गिरजा। मैं इन्हीं की तलाश में यहाँ पर आया हुआ, क्या आप इनको ढूंढने में मेरी मदद कर सकते हैं? जी सर, हम पूरी कोशिश करेंगे, सारे रिकॉर्ड्स भी चेक करेंगे, कैंप में भी पता लगाएंगे। हमें उम्मीद है हम आपकी कुछ मदद कर सकेंगे। शुक्रिया, लेकिन सर हमें थोड़ा सा वक्त चाहिए। क्या कल आप हमें इसी वक्त इसी जगह मिल सकते हैं? सोया, क्या नाम बताया था? हाँ माइकल, तुम दोनों बहुत अच्छे हो। तुम्हें यान देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। हमेशा खुश रहो। अब मैं चलता हूँ, कल इसी जगह पे इसी वक्त में मिलूंगा। जी ओके। ओके सर। ओके जोया। ओके सर। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। भाई चाय पिला देना एक कप, भूख भी लगी है, कुछ खिला भी दियो। गिरजा भाभी, गिरजा भाभी रुको, मैं कादिर हूँ। रुको भाभी, मैं तुम्हारा भाई कादिर। गिरजा भाभी, या अल्लाह, गिरजा भाभी मुझे देखकर भाग क्यों गई?
भाई इन लोगों को कहीं देखा तो नहीं है यहाँ आसपास? ये यहीं कहीं आसपास रहते हैं लेकिन मुझे इनके ठिकाने का पता नहीं लग रहा है। जी भैया मैं तो इनको अक्सर यहाँ से आते जाते गुजरते देखता हूँ, शायद लगता कि मैंने इनको देखा है। अच्छा चलो इसी खुशी में मुझे एक आइसक्रीम खिला दो। कितने पैसे हुए भैया? अरे साहब जी जाने भी दीजिए, चलिए 5 रुपये दे दीजिए। अगर कुछ पता चले तो मुझे बताना। अरे गिरजा भाभी, गिरजा भाभी रुकिए, गिरजा भाभी। ओह आज फिर गिरजा भाभी मुझे देखकर भाग गई। या खुदा मैं क्या करूं? नहीं इतना तेज मैं नहीं भाग सकता, मैं कभी भी गिरजा बहन को पकड़ नहीं पाऊंगा। है तो ये गिरजा बहन ही, लेकिन मुझे देखकर क्या हो जाता है? क्या उसे कादिर भाई नजर नहीं आता? एक बात तो जरूर है कि वो मुझे पहचानती है, वरना भागती क्यों? हाँ ये हो सकता है कि जिस मुसीबत से वो गुजरी है उसके बाद वो मुझे भी वादी कश्मीर का मुसलमान समझती है। उस बदनसीब हादसे के बाद उनकी नजर में वादी कश्मीर का हर मुसलमान एक गुनहगार है और उनका सोचना वाजिब है। जिस शख्स की दुनिया पल भर में उजड़ जाए तकलीफ सिर्फ उसी को महसूस होती है। हो सकता है वो सोचती हो कि मैं भी एक मुजाहिद हूं, एक पेशेवर मुजरिम, कुछ भी सोच सकती है। इसीलिए जब मैं नजर आता हूं कितना खौफ छा जाता है उनके चेहरे पर और कितना तेज भाग जाती है। वही क्यों न जाने पंडित जी क्या सोचेंगे, यही सोचेंगे जो काम वादी में अधूरा रह गया शायद उसी को पूरा करने मुजाहिद अब्दुल कादिर यहां तक आ पहुंचा है। मुझे यकीन है यही सोचेंगे बेचारे पंडित जी। वो सोच भी नहीं सकते कि उनका पोज जिंदा है और मरियम की पनाह में है, शहजादे की तरह पल रहा है। सॉरी गाइस थोड़ा लेट हो गया। कहाँ थे सर आप? हम आपको सुबह से ढूंढ रहे हैं, आपके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है। जोया जल्दी बताओ तुम्हारी अच्छी खबर। वो हमें मिल गए सर। या खुदा तेरा लाख लाख शुक्र है। यही कैंप में रह रहे हैं। आओ हम आपको अपने आपके बड़े भाई से मिलाते हैं सर, चले। ठहरो मैं तुम दोनों से कुछ बात करना चाहता हूँ। एक काम करो मुझे उनका घर दूर से ही दिखा दो और मुझ पे एक एहसान और कर देना, मेरे बारे में उनसे कोई बात मत करना। लेकिन क्यों सर हम बहुत कंफ्यूज हैं। आप अपने भैया और भाभी से इतनी देर के बाद मिल रहे हैं और आप उनसे मिलना नहीं चाहते, क्यों? खुशी तो होगी लेकिन कोई और भी है जो इस खुशी का मुस्तहिक है, मुझसे ज्यादा शिद्दत से इंतजार किया है उसने। इसलिए मैंने फैसला किया है कि मुझे घर जाकर अपनी बीवी को साथ मिलाना होगा ताकि हम सब मिलकर इस नायाब खुशी को मिलकर बांटें। आपको पता है इस दौरान उसने खामोशी से बहुत सी तकलीफें बर्दाश्त की हैं, अकेले रहकर सारी जिम्मेदारियों को संभाला है उसने, उसके बगैर कैसे सारी खुशियां बटोर लूं। और हाँ उनकी एक अमानत भी है मेरे पास जिसको लाने के लिए मुझे घर तो जाना ही होगा, उसे भी तो मुझे जाकर लाना पड़ेगा। हम समझ सकते हैं और आपकी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करते हैं, आप बहुत अच्छे हैं सर। आप बिल्कुल फिक्र ना करें सर, जाइए और हम आपका बेसब्री से इंतजार करेंगे। चलो जोया
चलो माइकल। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र। तुम लोगों का एहसान मैं जिंदगी भर नहीं बोलूंगा। तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारा ये एहसान मैं हमेशा याद रखूंगा। गया दिन एकदम बढ़िया। सर की कोई खबर आई? अरे स्टूपिड, अभी दो ही दिन तो हुए हैं, अभी एंजॉय करने दो उन्हें। हेलो हेलो जोया, मैं हूँ। अरे सर आप, हम अभी आप ही की बात कर रहे थे। अच्छा, कैसी हो जोया? और माइकल कैसा है? जी हम सब बिल्कुल ठीक है। आप सुनाइए, आप वापस कब आ रहे हैं? मैं बहुत जल्द आ रहा हूँ, सब तैयारियाँ हो चुकी हैं। जी सर, हम आपका बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वी आर वेरी एक्साइटेड। ठीक है जोया, बहुत जल्द मिलेंगे। टेक केयर। थैंक यू सर, थैंक यू। एंड गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू टू सर। क्या कहा सर ने? जल्दी आ रहे हैं। वो देखो वो तो आ गए। हाँ यार वो तो आ गए। अरे तुम लोग, मरियम, ये दोनों। जानती हूँ, ये है जोया और ये माइकल। मैंने तुम दोनों के बारे में बहुत सुना है। जैसा मैंने तसव्वुर किया था तुम दोनों बिल्कुल वैसे हो। पर एक बात कहूँ, तुम दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हो। वो तो ठीक है मैम, लेकिन हम दोनों आप जैसा बनना चाहते हैं। तुम लोग भी हमारे साथ चल रहे हो ना? बिल्कुल। चलो मरियम, और क्या चल रहा है आजकल? कौन कौन है भाई? मरियम, मेरी बहन, कादिर, मेरा भाई, कहाँ था कादिर इतनी देर के बाद मिला? भाई देखिए आपका पोश कितना बड़ा हो गया है। पोश कहाँ है? पोश कहाँ है? पोश गिरजा, मरियम मेरी बहन, तुम कैसी हो गिरजा? कादिर भाई, मैं समझा था उस रात पोश भी। नहीं ऐसा नहीं करते, चलो अंदर चलते हैं। पंडित जी, सफर बहुत लंबा रहा, इस बीच बहुत कुछ बीत चुका है जिसने हमारी जिंदगी को उलट पुलट कर दिया, और बहुत वक्त बीत चुका है। कई तल्ख यादों ने दिल में घर कर लिया। इसी दौरान इस मासूम बच्चे की याददाश्त में कोई तल्खियां नहीं है, ना ही कोई रंजिश है। यह सिर्फ एक ही बात जानता है कि मरियम उसकी मां है। इस वक्त हमें भगवान का शुक्र अदा करना चाहिए जिसके आशीर्वाद से आज हम फिर से एक छत के नीचे बैठे हैं। जी मुझे अभी भी याद है पंडित जी, वो दिन। माइकल, दुनिया में ऐसे लोग भी हैं, मुझे आज तक इसका एहसास कभी नहीं हुआ।
इन अलग अलग लोगों ने आज मुझे जिंदगी का एक नया रूप दिखाया है जो मेरे दिल को छू गया। हाँ जोया, अब हमें चलना चाहिए। बहुत सारी ऐसी बातें होंगी जो इन्होंने खुद करनी होंगी। जोया, इनसे इजाजत लो। सर, हमें लगता है हमें जाना चाहिए। ये पल आपके अपने हैं और बहुत मुश्किल से मिले हैं। दे नीड योर अनडिवाइडेड अटेंशन। ठीक है जोया, कल हम आपको विश करने यहाँ से जरूर गुजरेंगे। ठीक है जोया। मुझे देखो, भाग रही थी मैं सच्चाई से, सच से अंधों की तरह, फरिश्ते जैसे भाई को दुश्मन समझ बैठी। मैं डर गई कि ये इंसान एक मुजाहिद है और मेरा पीछा कर रहा है। मुझे भगवान कभी माफ नहीं करेगा। मैं सोचती रही कि ये हमें जानता है, पीछा कर रहा है और हमें मार देगा। मुझे क्या पता था कि पोश जिंदा है तो सिर्फ इन फरिश्तों की वजह से। हे मेरे मालिक, मैंने सोच भी कैसे लिया। कादिर भाई, मैं आपसे माफी तक नहीं मांग सकती। मैं अपनी ही नजरों में बहुत नीचे गिर चुकी हूं। मुझे माफ कर दो कादिर भाई, मुझे माफ कर दो। कैसी बात कर रही हो बहन, तुम्हारी जगह मेरे दिल में है, यहां पर हमेशा थी और हमेशा रहेगी। तुमने कोई गलती नहीं की, तुम्हारी सोच बिल्कुल वाजिब थी। अपने आंसू पोंछ कर अपने जिगर के टुकड़े का इस्तकबाल करो एक नई मुस्कान के साथ। पंडित जी, उस रात को जब मैं वापस घर लौट रहा था तो मैंने देखा, झाड़ियों में से छुपकर देखा कि उधमपुर
पुरखू और फिर आकर यहाँ जम्मू में सब आपके सामने है। जाओ इनके पास। आजा आजा पोष। ये आपको प्यार करते हैं ना? आजा मेरे पास। आपको पता है ये कौन है? पता है आपको? आजा आजा पोष। आजा मेरे पास। आओ आओ मेरे पास आओ। आओ पोष। तुम हिम्मत मत हारो गिरिजा, ये एक दिन जरूर तुम्हारे पास आएगा। देखो मरियम, मैंने हर मुमकिन कोशिश कर ली है लेकिन ये मेरी तरफ देखता तक नहीं। अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। बहन आज पूरे 7 दिन हो गए हैं ये मेरी तरफ देखता तक नहीं। अच्छा ठीक है, आप मेरे पास ही रहो। ठीक है, मम्मा के पास ही रहो। लगता है कि पोष को तुमने इतना प्यार दिया है कि वो मुझे ही नहीं सारी दुनिया को ही भूल चुका है। जाओ अब खेलो, अब्बू के पास जाओ। अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। पंडित जी अफसोस तो है लेकिन पोष के इस रवैये से क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि हम सब एक साथ अपने घर जा रहे हैं। आप हमारे साथ अपने कश्मीर वापस चलेंगे, हमें फिर से जिंदगी की एक नई शुरुआत करनी होगी। आप लोगों को मैं यहां किसी भी सूरत में छोड़ नहीं सकता। मैंने सब इंतजाम कर दिया है, आपका घर भी तैयार है और आपकी आमद का इंतजार कर रहा है। तुम एक बहुत नेक दिल इंसान हो कादिर भाई, लेकिन हम अब उस वादी में वापस नहीं जा सकते। सवाल हमारे वापस जाने का नहीं, सवाल है उस जन्नत कश्मीर का, जिसकी यादें इतनी तल्ख हैं कि सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। उस दर्दनाक हादसे का एक एक लम्हा दिल पर चोट पहुंचाता है। बार बार हमेशा से इस वादी ने हम हिंदुओं को घर से बेघर किया है। अब हमारे लिए इस वादी में कोई जगह नहीं कादिर भाई, कोई जगह नहीं। कितनी बार कादिर भाई, कितनी बार हिंदुओं को अपने ही घर से बेघर होना पड़ेगा, कितनी बार हमारा खून बहेगा, ये कोई नई बात नहीं। हम कश्मीरी पंडितों का अपने ही घर से देश निकाला अब तक 7 बार हो चुका है। 7 बार कादिर भाई, 7 बार हम हिंदुओं की गर्दनों पर तलवारें रखकर हमें वादी कश्मीर से बाहर निकाल दिया गया, और जो नहीं जाना चाहते थे उन्हें वहीं जबा कर दिया गया। पहली बार 14वीं सदी में 1 लाख कश्मीरी पंडितों को रस्सियों से बांधकर डल में फेंक दिया गया, और बहुत थोड़े से जो बचे थे वो अपनी जान बचाकर आसपास के इलाकों में भाग गए। आज भी हमें किश्तवाड़, पाडर, भद्रवाह और बटोत के कई इलाकों में वो परिवार मिलते हैं। उस वक्त सिर्फ 11 परिवार ही वादी में बचे थे, सिर्फ 11 कादिर भाई। पंडित जी आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन सच्चाई यही है कि वक्त की गर्दी सिर्फ आगे की तरफ बढ़ती है, पीछे की तरफ नहीं। हम कितना भी चाहें पंडित जी, लेकिन तारीख के बीते पन्नों में नहीं लौट सकते। जो हो गया उससे बस कुछ सीखने की कोशिश कर सकते हैं, और जो गलतियां बीते हुए इतिहास ने की हैं उसका सुधार सिर्फ और सिर्फ हमारे ही हाथ में है। हम वो हर कोशिश कर सकते हैं जिससे हमारा मुस्तकबिल हकीकत में जन्नत जैसा खूबसूरत बन जाए, और ये सब तभी मुमकिन है पंडित जी जब आपके और मेरे जैसे लोग फिर से अमन और शांति का इतिहास अपने हाथों से लिखकर एक नए कश्मीर का निर्माण करेंगे। इसके लिए अपने हजारों हमवतनों के लिए हमें आज एक दूसरे का हाथ थामकर आगे बढ़ना होगा पंडित जी। मैं इनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ पंडित जी, कादिर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं तुम्हारे जज्बात की कदर करता हूँ कादिर भाई। मुझे ये भी मालूम है कि तुम अपने आप को और वादी के हर मुसलमान को आज की हालात के लिए जिम्मेदार ठहराते हो। लेकिन ये सोच गलत है मेरे भाई। हमलावर हमेशा बाहर से आए, कभी सिकंदर बनकर, कभी औरंगजेब बनकर, और कभी
फकीरुल्ला और कभी फजरकंद बनकर। हमारे कश्मीरी भाई ये भी नहीं जानते थे कि बंदूक किस चीज का नाम है। 1399 से लेकर 1413 तक सुल्तान सिकंदर, जो कि एक हिंदुस्तानी नहीं था, उसके इशारों पर हजारों कश्मीरी पंडितों को घर से बेघर किया गया। दूसरी बार 1506 से लेकर 1585 तक चाक आए और उन्होंने फिर से कश्मीर में अमन से रहते हुए लोगों का खात्मा किया। जो थोड़े बहुत हिंदू बचे थे उनका खात्मा औरंगजेब ने किया। तारीख की किताब में हिंदुओं ने एक बार फिर वादी में बसने की कोशिश की, लेकिन औरंगजेब के बाद फजल कांत आया और फिर फकीरुल्ला। इन सब से नजात पाकर अभी संभले ही थे कि फिर अंग्रेज आ गए और फिर 700 सालों से कश्मीरियों को खत्म करने की मुहिम उरूज पर आ गई। जब हिंदुस्तान को आजादी मिली, उस आजादी में सियासत की बिसात पर कश्मीर को एक नया नाम दिया गया। नाम मिला आजाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर। इस तरह से जन्नत का नाम हटा दिया गया। कश्मीर की मिट्टी को नया रंग मिला मुजाहिदीन से, जो कई गैर मुल्कों से हमारे कश्मीर में आते गए, दाखिल होते गए और चारों तरफ से नफरत की आग में घिरी वादी में एक लाचार शरीफ पंडित की जगह कहां थी। उसको एक नया नाम दिया गया। उसका नाम रखा गया मुहाजिर, शरणार्थी, रिफ्यूजी, माइग्रेंट। अपने ही मुल्क में वो बदनसीब एक मुहाजिर बनकर रह गया। उसका वजूद उससे छिन चुका था। उसको हर तरह से बेसहारा कर दिया गया। उसको इस दोजख में एक जानवर की जिंदगी बसर करने पर मजबूर किया गया। इस तरह एक लाचार जानवर का दुनिया में जन्म हुआ, जिसका नाम था एक ऐसा मुहाजिर जो अपने ही वतन में बेघर था, लेकिन जिसे दुनिया वाले और यहां तक कि यूनाइटेड नेशंस भी रिफ्यूजी नहीं मानती। उनके लिए वो सिर्फ हिंदुस्तान का शहरी था, जिसको किसी के रहम की जरूरत नहीं थी। ये कहानी है तुम्हारे हर मजलूम निहत्थे शरीफ कश्मीरी पंडित की, जिसके जिम्मेदार कश्मीर के मुसलमान नहीं, वो लोग हैं जो सदियों से उनकी बर्बादी का जिहाद अपने साथ लाए। कभी सिकंदर बनकर, कभी औरंगजेब और कभी आजाद हिंदुस्तान और पाकिस्तान के सियासतदान बनकर। हकीकत तो ये है भाई कि अब हम थक चुके हैं और वापस कश्मीर नहीं जाना चाहते। तुम एक नेक दिल इंसान हो, एक ऐसे शख्स जिसके लिए मजहब और दुनिया के बनाए हुए दायरे कोई मतलब नहीं रखते। आप दोनों की सोच एक मसीहा की सोच जैसी है। ऐसे खुदा दोस्त लोग हैं आप कि एक हिंदू बच्चे को गले से लगाकर उसको जीने का एक और मौका दिया। ऐसी मोहब्बत दी कि जिनकी कोख से जन्म लिया आज वो उन्हें ही नहीं पहचानता। वो कभी भी तुमसे जुदा नहीं हो सकता। उसको जुदा करना भी एक बहुत बड़ा पाप होगा। मैं और गिरजा कभी नहीं चाहेंगे कि पोष को उसके माँ बाप से अलग किया जाए। पोष को तुमसे अच्छा और बेहतर निगेबां कौन मिलेगा? मैं भी नहीं, गिरजा भी नहीं, और कोई भी नहीं। बस उसको अपने जैसा इंसान बनाना, उसका हाथ पकड़कर ऐसा रास्ता ढूंढना जिससे 700 साल हमेशा के लिए खत्म हो जाए, यही हमारी ख्वाहिश है। तुम्हें याद है कादिर, जब हम दोनों की शादी हुई थी तब हमने फैसला किया था कि हम हज पे साथ जाएंगे। पिछले 2 सालों से तुम्हारी ज्यारत चल रही थी जो आज पूरी हुई है। अल्लाह ने तुम्हारी हज कबूल करके तुम्हें मुकम्मल मुसलमान बना दिया है। मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ी हज हम कभी कर पाते। मैं बहुत खुश हूँ कादिर, बहुत खुश। गिरजा बहन,
आप फिक्र मत कीजिए, इन 2 सालों में मरियम ने जितना प्यार पोष को दिया है शायद कोई नहीं दे पाता। तुम फिक्र मत करो गिरजा बहन, पोष को कभी मैं तुम्हारी कमी महसूस नहीं होने दूंगी। मैं उसे उतना ही प्यार दूंगी जितना कि तुम देती। तुम्हारी अमानत हमेशा मेरे पास सलामत रहेगी, हमेशा। मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही। ये सब तो ठीक है, लेकिन हम आपके बिना कैसे रहेंगे पंडित जी? हम आपसे दूर कहाँ हैं कादिर भाई, हमारी रूह और दिल तो आपके पास है। तो हमें देर नहीं करनी चाहिए, हम कल ही कश्मीर के लिए रवाना हो जाएंगे। एक नई जिंदगी की हमें जल्द ही शुरुआत करनी होगी। आप लोग फिक्र मत कीजिए, आप जहाँ भी रहेंगे हम पोष को लेकर आपसे मिलने आते रहेंगे, ये वादा है मेरा। अब आंसू पोंछ डालो गिरजा, और खुशी के साथ हम लोगों को विदा करो। जोया, माइकल, तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग कल जा रहे हैं, इंशाल्लाह फिर कभी ना कभी मुलाकात होगी। जी, लेकिन सर आप कैसे जा सकते हैं? लेकिन क्यों जोया? सर आपको इस संडे का इंतजार करना होगा, मेरी और माइकल की शादी है और आपके बिना ये शादी नहीं हो सकती। ठीक है जोया, हम लोग जरूर आएंगे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर, चलते हैं सर। सी यू ऑन संडे। श्योर सर। ओके, सी यू ऑल। करना
करना।